हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन स्टॉक्स। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर, यूपीआई विनल जेई का लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है। मेरे हर वीडियोस पे किसी ना किसी का आ रहा है कमेंट, सर लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा। भाई लोग परेशान मत हो, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और मार्केट और सोशल मीडिया में जो अफवाहें फैल रही है ना कि बीटेक वाले स्टूडेंट ने केस कर दिया, भाई किसी के पास ऑफिशियल प्रूफ है? किसी के पास ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। पता नहीं बिना मतलब का सब अफवाह फैलाए पड़े हैं कि यार केस हो गया आरटीआई। भाई यूपीआई विनल का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जहां तक हम लोग को अपडेट मिला है वो मैं आपको अभी शेयर करता हूं। पहले ये जान लो, कोई ऐसी अफवाहों पे ध्यान मत दो यार, चुपचाप अपनी प्रिपरेशन करो अच्छे से, ठीक है। हम लोग खुद मैं खुद मुझे नहीं समझ में आया अब तक लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं। हम लोग खुद लगे हुए हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो भी सब लगे हुए हैं कि लिंक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। तो आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि लिंक अभी तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। हमारे मोहित भाई हैं, आदित्य भाई, मैंने भी ट्राई किया कमेंट करने का, तो उनका जो हेडक्वार्टर है ना यार, कोविड का केस इतना तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए उनका हेडक्वार्टर क्लोज है अभी। भाई जब हेडक्वार्टर क्लोज जाएगा तो लिंक कहाँ से एक्टिवेट होगा? तो अभी जो फ्रेश अपडेट है वो अपडेट यही है भाई लोग, कि अभी कोविड के कारण ही लिंक एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो यार ऐसा मत करो, इतना परेशान मत हो यार कि लिंक एक्टिवेट क्यों। भाई लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अपनी तैयारी तो अच्छे से कर लो। क्या तुम लोग सब आ गया है? अभी एक सवाल पूछ लूँगा तो आ नहीं पाएगा तुम लोगों को। यार चुपचाप तैयारी पे ध्यान दो, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तैयारी तुम लोगों की हुई नहीं, लिंक एक्टिवेट हो गया, एक महीने बाद एग्जाम आ गया और तुमने बोले सर अभी तक तो हमको कुछ आता है, तैयारी नहीं की है। चुपचाप प्रिपरेशन पे ध्यान दो, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। और मान लो लिंक एक्टिवेट नहीं भी होता है, एक कंडीशन मान लो एक्टिवेट, तुमको और एग्जाम नहीं देना है, तुमको आर आर बी जे का एग्जाम नहीं देना है, तुमको DSSSB जे का एग्जाम नहीं देना है, तुमको और कोई जूनियर इंजीनियर का एग्जाम नहीं देना है क्या? भाई चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, रीजनिंग पे अच्छे से फोकस करो, रीजनिंग नॉन टेक पे, टेक्निकल पे अच्छे से फोकस करो। और पेपर कोई भी हो, देखो जेई का पेपर कोई भी हो, क्वेश्चन का लेवल सेम ही रहेगा, हर सभी पेपर्स को आप सॉल्व करो। अगर आप जूनियर इंजीनियर तैयारी कर रहे हो, सभी जूनियर इंजीनियर्स के पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और इसीलिए जब मैं तैयारी करता था तो मुझे ऐसा कोई फ्री का यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं मिला जो मुझे हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन बता सके कि इस क्वेश्चन में और क्या थ्योरी छुपी हुई है और इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बताता। अगर तुम UPI 2016 पेपर करोगे डाउनलोड, तुमको उसके चारों ऑप्शन में तुमको सही आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर सही है, तुम खुश हो जाओगे जान के। ऐसा मत करो, आंसर जानना ही बहुत वो नहीं होती, बात नहीं होती कि तुमको आंसर मालूम चल गया। भाई ये सीखो उस क्वेश्चन से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और वो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वो क्वेश्चन दिया तो क्यों दिया। इसीलिए जब मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो मैं खुद उस चीज़ को स्टार्ट किया हूँ और मैं 2016 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। मतलब जो क्वेश्चन, एक बार जाके तुम वीडियो देख लेना, इसके वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उस अपने इसका प्ले लिस्ट का, जाके एक बार वीडियो देखना भाई, मज़ा आ जाएगा। मतलब तुम इतना कुछ सीख जाओगे ना, तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थ्योरी सीखोगे। भाई अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, अफवाहों पे ध्यान मत दो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। बहुत ही समय अच्छा है इस समय, तो इस समय का उपयोग करो, ठीक है। तो एक बार जाके इसको देख लेना, मैंने पेपर को अब बहुत ही डिटेल में सॉल्व कराया हुआ है, जिससे क्या क्या थ्योरी बनेगी और उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैंने पूरे को डिटेल में सॉल्व कराया हुआ है। तो अगर आपने पेपर सॉल्व भी कर लिया है, कहीं से भी आपने पेपर सॉल्व कर लिया है, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा समय निकाल के एक बार मेरे वीडियोज़ पर समय देना भाई, पक्का बोलो मज़ा आ जाएगा यार। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? और रही रीजनिंग की बात, जो उसमें रीजनिंग आता है उसका मैंने सिलोजिज्म को पार्ट 1-2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया, मैंने उसका पार्ट आज ही अपलोड किया है भाई, जाके देखना। उसमें जो ट्रिक्स बताऊंगा ना, उससे हर क्वेश्चन को तुम इजीली सॉल्व कर लोगे उसका। जब तुम ये पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लोगे, जब उसका नोट्स बना लोगे, तभी उसके बाद मैं 3-4-5 पार्ट को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा उसमें, तुमको सिलोजिज्म के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और रही बात, सब लोग बोल रहे हैं सर सीरियल वाइज पेपर सॉल्व कराइए, ठीक है। मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ उसमें जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं UPI जेई एग्जाम में, मैं उसको सॉल्व करा रहा हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। तो जब ये कंप्लीट कर लूँगा ना भाई, तो सीरियल वाइज मैं लेके आऊँगा। आप लोग बोल रहे हैं सर सीरियल वाइज करें, ताकि देखो इससे भी तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, एक बार पेपर लेके बैठोगे और पेपर का सोल्यूशन तुमको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें पेपर का सोल्यूशन भी तुमको आते जाएगा, तो इससे भी फ़ायदा है। बट इसको जरूर देखना, अगर कुछ देखो चाहे ना देखो, जो मेरा इस वीडियोज़ को जरूर देखना, इसमें मैंने हर एक पेपर के हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है कि उससे क्या थ्योरी इंपॉर्टेंट बनती है। और लिंक एक्टिवेशन के बाद छोड़ दो यार, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने तुम लोगों को अभी आदित्य भाई, मोहित भाई ने किया था पता, मैंने पता किया था, उनका हेडक्वार्टर भी बंद है, जो ये फेस अपडेट है उनका हेडक्वार्टर बंद है अभी, जब वो खुल जाएगा तो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आप वहाँ पर ध्यान मत दो, अपनी अपनी प्रिपरेशन पर तैयारी करो, प्रिपरेशन पर फोकस रखो, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और बी सेफ, ठीक है।